वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एजुकेशन के 86 में। आज हम बात करेंगे एक नई वैकेंसी के बारे में। जी हां दोस्तों, राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार की तरफ से ये वैकेंसी निकाली गई है, जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसके वेबसाइट पे डाल दिया गया है। आप जाके इसके लिए ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने एलिजिबिलिटी बताई है। अगर एलिजिबिलिटी फुलफिल करते हैं, यानी कि एलिजिबल हैं आप इस फॉर्म को आवेदन करने के लिए, तो ही इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं वीडियो में सबसे पहले आपको एलिजिबिलिटी ही बताता हूं, ताकि आपका टाइम भी खराब ना हो सके और आप इसके लिए आवेदन कर सकें। जी हां, अगर आप चाहते हैं इसके लिए आवेदन करना, एलिजिबल हैं, तो ही पूरा वीडियो देखिएगा और सारी जानकारी लेने के बाद ही आप फॉर्म को भरने जाइएगा। चलिए देखते हैं इसकी एलिजिबिलिटी। पहले बिहार सरकार ने खोला है नई भर्तियों का रास्ता, क्या होगी सैलरी उसके बाद जानेंगे, और कितनी है वैकेंसी उसके बाद सारे डिटेल हम आपसे बात करेंगे। दोस्तों हम आ चुके हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। पहला पोस्ट है दोस्तों यहाँ पे काउंसलर का, जिसके लिए करीब 579 पदों की वैकेंसी है, 15,000 की सैलरी है, लेकिन जो क्वालिफिकेशन है ये मांगा गया है दोस्तों बैचलर डिग्री, फुल टाइम होना चाहिए आपका, सोशल वर्क्स, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से अपना इन सब में क्या किया है, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, या फिर अगर आपने किया है दोस्तों सोशल वर्क में अपना ग्रेजुएशन, तो आप यहां पे आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, ये रहा दोस्तों पहला पर। इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है आपसे। ठीक है, तो जो लोग यहां पे 3 डिग्रियों से अपना किए हैं, कैटेगरी वाइज देख सकते हैं कितनी कितनी रिक्रूटमेंट है यहां पे। ठीक, अगला है हमारा दोस्तों पोस्ट यहां पे डिस्ट्रिक्ट अर्बन हेल्थ कंसल्टेंट का, जिसके लिए 13 पोस्ट निकाले गए हैं, 35,000 की सैलरी है, ये अच्छी खासी सैलरी है, तो यहां पे आपसे एक्सपीरियंस भी मांगा जाएगा। तो क्वालिफिकेशन जान लेते हैं, जो छात्र यहां पे मास्टर कर रखा है इन लोगों ने पब्लिक हेल्थ में किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने, जो कि रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए, उसके अलावा या तो आपने अगर MBA कर रखा है या PG डिप्लोमा कर रखा है, ठीक है, किसी भी हेल्थ पब्लिक हेल्थ स्पेशलाइजेशन में, या हॉस्पिटल मैनेजमेंट में, या हेल्थ मैनेजमेंट में, या हेल्थ मैनेजमेंट केयर में, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ, ये 2 साल का कोर्स होता है दोस्तों MBA, अगर आपने ये कर रखा है तो इसके लिए आप आवेदन करेंगे। कैटेगरी वाइज सीट दी गई है, कौन सी कैटेगरी में कौन से स्टूडेंट कितने की सीटें हैं ये बताया गया यहाँ पे, या देख सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे अगर एलिजिबल होने का, तो वो है दोस्तों एसेंशियल क्वालिफिकेशन। यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा गया है, मिनिमम 2 ईयर ऑफ द पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए हेल्थ सर्विस सेक्टर में आपका, तभी आप इस पोस्ट के लिए आवेदन कीजिएगा, अन्यथा छोड़ दीजिएगा इस वीडियो को यहाँ पे, अगर आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है तो, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो। अगला पोस्ट है दोस्तों यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कम्युनिटी मोबिलाइजर की, जी हाँ, जिसके लिए आपको अररिया, औरंगाबाद, बांका, बेगूसराय, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, दरभंगा, गया, गोपालगंज, जमुई, जहानाबाद, कैमूर, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, लखीसराय, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, नालंदा, रोहतास, शेखपुरा, शिवहर, सिवान एवं सुपौल के इन सभी जिलों में, इतने सारे जो जिलों के नाम दिए हैं इसमें, एकल पद, एक एक पद, इन 26 जिलों का नाम है यहाँ पे, एक एक पद यहाँ पे, सैलरी 20,000 की है यहाँ पे, लेकिन क्वालिफिकेशन जान लीजिए, आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए सोशल वर्क में, जो छात्र यहाँ पे किए हैं MA किए हैं सोशल वर्क में, वो आवेदन कर सकते हैं। या तो आपने अगर पोस्ट ग्रेजुएट किया है, PG किया है स्पेशलाइजेशन रूरल डेवलपमेंट में, तो आप आवेदन कर सकते हैं, या तो आपने MBA कर रखा है 2 साल का किसमें, तो रूरल डेवलपमेंट या फिर सोशल वर्क में या रूरल मैनेजमेंट में, तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। तो ये क्वालिफिकेशन है, यहाँ पर कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है इस पोस्ट के लिए भी। चौथा पोस्ट है दोस्तों ऑडियोमेट्रिक असिस्टेंट के लिए, जो कि 15,000 की सैलरी है। क्वालिफिकेशन देखा जाए दोस्तों यहाँ पे, तो इंटरमीडिएट वाले छात्र, यानी कि 12th पास छात्र आवेदन कर सकते हैं, और 1 ईयर का डिप्लोमा जिन्होंने किया है ऑडियोलॉजी में, तो वो भी छात्र यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। कैटेगरी वाइज सीट बताई गई है, 15,000 की सैलरी है, यहाँ भी आपसे कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। अगला पोस्ट है दोस्तों इंस्ट्रक्टर फॉर द हियरिंग, जी हाँ, इम्पायर्ड चिल्ड्रेन, तो इसके लिए भी यहाँ पे जो इंटरमीडिएट ही मांगा गया है, 1 साल का डिप्लोमा ऑडियोलॉजी में आपका होना चाहिए। ठीक है, तो ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है 12th क्लास के छात्रों के लिए भी। अगला पोस्ट है दोस्तों डेंटल हाइजेनिस्ट, जिन्होंने किया है कोर्स, इसका एसेंशियल क्वालिफिकेशन है दोस्तों यहाँ पे इंटरमीडिएट, जी हाँ, बायोलॉजी में 10+2 आपने कर रखा है, तो भी आप आवेदन कीजिएगा। डिप्लोमा इन डेंटल टेक्नीशियन, डेंटल हाइजेनिस्ट, डेंटल मैकेनिक्स कोर्स कर रखा है आपने, तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं।
रजिस्ट्रेशन विद द स्टेट डेंटल काउंसिल, जी हाँ, अगर आपका रजिस्ट्रेशन है स्टेट डेंटल काउंसिल में तो भी आप इसके लिए आवेदन बिल्कुल कर सकते हैं। देख लीजिएगा भाई, यहाँ पे जो भी क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं उनको ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा आप लोग, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एलिजिबिलिटी जानने के बाद बहुत सारे लोग छोड़ रहे हैं वीडियो, लेकिन यहाँ पे आप लोग एक दूसरे को शेयर कीजिएगा तो हो सकता है किसी ना किसी का यहाँ पे बिहार में भला हो जाए, और बिहार के लिए ही ये वीडियो बन रहा है तो आप लोग भी सहयोग कीजिए थोड़ा। यहाँ पे एक अगला पोस्ट है डेंटल असिस्टेंट का, जी हाँ, डेंटल असिस्टेंट यानी कि जो ऐसा असिस्टेंट जो कि डेंटिस्ट के साथ रहते हैं, इसके लिए मैट्रिक वाले छात्र भी यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए उनके पास डेंटल असिस्टेंट का, 6 से 12 महीने का, वो कहीं से भी बन जाता है आपके डेंटल, किसी भी क्लिनिक से भी जो कि रिकॉग्नाइज्ड होता है वो बना देते हैं लोग। खैर, यहाँ पे ये वैकेंसीज के सारे डिटेल मैंने दिए हैं। अगर एज क्राइटेरिया की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे 37 साल रखा गया है एज क्राइटेरिया आवेदन करने के लिए इन सभी पदों के लिए। तो जो छात्र यहाँ पे करना चाहते हैं आवेदन जनरल कैटेगरी के लिए बताया मैंने एज, तो वो यहाँ से इस वीडियो को अब आगे देखेंगे दोस्तों। मैं यहाँ पे देखा जाए तो सैलरी सबकी बता ही दिया है और एज क्राइटेरिया भी बता दिया है, और कितनी वैकेंसी है टोटल, तो टोटल 660 वैकेंसी है जिसके बारे में सारा डिटेल यहाँ से दे दिया है। लेकिन मैं आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर लेकर चलूँगा, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस बेल आइकन को दबा के, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से जा सके। इस वीडियो को देख लीजिएगा, अभी 6,500 डॉक्टरों की नई भर्तियों के बारे में अपडेट दिया मैंने यहाँ पे, बहुत सारे डॉक्टर की वैकेंसी आने वाली है उसका एक न्यूज़ अपडेट है, इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा आप लोग। चलिए दोस्तों, लेकर चलते हैं अब आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। हम आ चुके हैं राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार की ऑफिशियल वेबसाइट पे, और ये इसका एडवर्टाइजमेंट वाला सेक्शन है। आप यहाँ से जाके इसके सारे रिक्रूटमेंट प्रोसेस को जान सकते हैं, और ये वो एडवर्टाइजमेंट संख्या है 2/2020 का, ठीक है। तो आप यहां से दोस्तों इसको डाउनलोड करें पहले क्लिक करके, और इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड जैसे कीजिएगा तो यहां इस नोटिफिकेशन पे आ जाइएगा, और सेम नोटिफिकेशन यहां पे आप देख सकते हैं, मैंने यहीं से इसको डाउनलोड करके आपको शेयर किया है दोस्तों। अप्लाई करने के लिए जो डेट है यहाँ पर आवेदन करने का, वो है 26 फरवरी को, ध्यान दीजिएगा 26 फरवरी से आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, नहीं कि आज से। कब तक कर सकते हैं, लास्ट डेट है आपका 7 मार्च तक, ठीक है, 17 मार्च तक आप इसके लिए आवेदन करते हैं शाम को 6 बजे तक। उपर्युक्त जितने भी यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन दिए गए हैं इसके वेबसाइट पे जाके आप चेक कीजिए, डाउनलोड कीजिए इसके नोटिफिकेशन को और पढ़िए, और ये सारा नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद ही आप इसके लिए आवेदन कीजिएगा दोस्तों, अगर आप एलिजिबल हैं तो, ठीक है। चलते हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर, ये अप्लाई करने का लिंक भी यहाँ पर इन लोगों ने दे दिया है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आप इसके उस पेज पर आ जाएंगे जहाँ से आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, जी हाँ दोस्तों, क्लिक कीजिएगा यहाँ पे और ये आपसे उस पेज पर ले जाएंगे। देखिए यहाँ पे ओपन होगा आपके न्यू पेज पे, ठीक है, और ये न्यू पेज होगा दोस्तों यहाँ पे आपका, एक मिनट में दिखला देता हूँ। यहाँ पे दोस्तों हम आ चुके हैं इस लिंक पे, ये देख सकते हैं, ये लिंक मैंने दे दिया है, अप्लाई वाला भी यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और या तो आप हमारा एजुकेशन की 86 का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे ये लिंक शेयर कर दिया गया है, आप वहाँ से भी जाके सारी डिटेल चेक कर सकते हैं। जैसे ही आप इस पेज पे आएंगे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके आप यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे दोस्तों, यहाँ पे आ जाएगा न्यू रजिस्ट्रेशन का पेज, और ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और ID पासवर्ड डाल के यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं, अन्यथा आप यहाँ पे खुद को रजिस्टर्ड ही कीजिएगा अगर आप नए रजिस्टर हैं तो दोस्तों, ठीक है। तो बाकी आगे के प्रोसेस आप लोग खुद कीजिए, यहाँ पर कोई भी डाउट होता है तो आप लोग यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं हमसे, सारी डिटेल के लिए आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, हमारे साथ आप बने रहें इसका बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का, और सारी अपडेट्स से अवगत रहिएगा। सैलरी कितनी है, एक्सपीरियंस किस किस फील्ड में मांगा गया है, ये सारे डिटेल आपको बता चुका हूँ। तो बिहार सरकार जब यहाँ पर नया रास्ता खोल रहा है आपको नई रिक्रूटमेंट को लेकर, तो इन सभी रिक्रूटमेंट के लिए आप भी आवेदन कीजिए, और अगर एलिजिबल हैं तो आवेदन कीजिएगा, अन्यथा एक दूसरे को शेयर कर दीजिएगा, इतना चाहते हैं। वीडियो ऐसे पसंद आते हैं आपको तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिएगा वीडियो को। और यहाँ पे काउंसलर की वैकेंसी निकाली गई है, डिस्ट्रिक्ट अर्बन हेल्थ कंसल्टेंट की वैकेंसी निकाली गई है, और डिस्ट्रिक्ट कम्युनिटी मोबिलाइजर की वैकेंसी निकाली गई है, उसके अलावा ऑडियोमेट्रिक असिस्टेंट की वैकेंसी है, उसके अलावा इंस्ट्रक्टर फॉर द हियरिंग इंस्पायर्ड की चिल्ड्रेन के लिए वैकेंसी है, और उसके अलावा डेंटल हाइजेनिस्ट की वैकेंसी है, और उसके अलावा करीब डेंटल असिस्टेंट की वैकेंसी है। तो 7 ऐसे वेरियस पोस्ट हैं जिसके लिए करीब 660 पदों की ये वैकेंसी निकाली गई है।
इन सब का ब्यौरा मैंने आपको यहाँ पे दिया है इस वीडियो के माध्यम से, ठीक है, और सारा डिटेल आपको एक एक करके बताया है। एज क्राइटेरिया यहाँ पे 37 साल रखी गई है, एक बार और बता देता हूँ, और ये 1 जनवरी से आपको काउंटेबल होगा 2020 से, यानी कि उससे पार नहीं होना चाहिए, उस दिन तक आपका 37 साल तक एज होना चाहिए। बाकी सारे क्राइटेरियाज मैंने आपको बता दिए हैं, आप जाके देख सकते हैं एलिजिबिलिटी में। ओके, धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का।